नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अतिथि शिक्षक की महापंचायत तो हो चुकी है, उसमें यह आदेश भी दे दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों का वेतन दुगना हो जाएगा। जैसे कि वर्ग एक के लिए जो 9,000 मिलती थी, अब उन्हें 18,000 मिलेगी। वर्ग दो में 7,000 मिलती थी तो उन्हें 14,000 मिलेगी, और वर्ग तीन में 5,000 मिलती थी तो उन्हें 10,000 मिलेगी। पर ये क्या योजना, जो योजना उन्होंने पैसे डबल किए हैं, क्या ये कब से लागू होगी, इसका कोई अभी डेट कन्फर्म नहीं। उसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले। और कई मुझे कमेंट ये भी आ रहे थे कि क्या जो कंप्यूटर स्ट्रक्चर के लिए जो चल रही है, क्या उसमें भी वेतन दुगना होगा। तो उसके बारे में भी हम आज आपको बताने वाले हैं, कंप्यूटर स्ट्रक्चर में जो लगे हुए हैं उनको इसका फायदा मिलेगा या नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं। अभी तक आपने अभी हमारे चैनल यूट्यूब चैनल दीपेश गौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप सभी को संपूर्ण अपडेट नोटिफिकेशन वहां से भी प्राप्त हो सके। अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक ताकि सभी इसमें जुड़ सके और सभी को योजनाओं और जॉब की जानकारी मिल सके। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज कल के दिन जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, ठीक है। शिवराज सिंह ने अतिथि शिक्षक की जो महापंचायत थी उसमें तो ऐलान कर दिया, परंतु जब तक कैबिनेट का निर्णय नहीं होगा, कैबिनेट की स्वीकृति नहीं होगी, तब तक वो योजना वो लागू नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अतिथि शिक्षक वर्ग के प्रतिमा मानदेय को दुगना किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अतिथि शिक्षक वर्ग एक का 9,000 से 18,000 कर दिया गया, अतिथि शिक्षक वर्ग टू का 7,000 से लेकर 14,000 कर दिया गया, अतिथि शिक्षक वर्ग थ्री का 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। तो अब ये कैबिनेट का जो केवल कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि इनको स्वीकृति दे दी गई है, ठीक है, डबल जो मानदेय है उनको स्वीकृति दे दी गई है, परंतु जब तक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखित में नोटिस नहीं जाएगा, लिखित में आदेश नहीं जाएगा, जब तक पेमेंट को दुगना नहीं किया जाएगा। जो सेम चल रही है पेमेंट, जैसे कि अभी वर्ग एक को 9,000, वर्ग दो को 7,000, वर्ग तीन को 5,000 चल रही, वही पेमेंट चलेगी। जब तक हायर एजुकेशन के पास ये लिखित में आदेश नहीं आएगा, जब तक यही पेमेंट जो चल रही है वही चलेगी, दुगनी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि महत्वपूर्ण कैबिनेट में निर्णय तो ले लिया गया है कि दुगना कर दिया जाए, तो जल्दी से जल्दी कैबिनेट द्वारा जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी जल्दी से नोटिस लिखित में आदेश भेज दिया जाएगा कि जो भी अतिथि शिक्षक है, मध्य प्रदेश में लगभग 67,000 प्लस अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, उनकी पेमेंट दुगनी कर दी जाए। वर्ग एक को 18,000, दो को 14,000 और पाँच को 10,000 स्वीकृति का आदेश जब तक नहीं आएगा लिखित में, जब तक आपकी पेमेंट दुगनी नहीं होगी, ठीक है। जैसे आदेश आता है आपको पहले वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी आप ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर स्ट्रक्चर, वो भी अतिथि शिक्षक है, तो क्या उनको भी मानदेय दुगना होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अभी इस विषय में कोई अपडेट नहीं है, जब तक कि वो लिखित में आदेश हमारे पास नहीं आता है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अगर मैं आपको बोल दूँ कि अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे जो कंप्यूटर स्ट्रक्चर है उनको भी मानदेय डबल मिलेगा, और पता लगे उनको मानदेय नहीं मिलेगा, तो फिर आप बोलोगे कि हमें गलत जानकारी मिलती है इस चैनल से, ठीक है। तो मैं ऐसा कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, और अभी तक कोई हमारे पास अपडेट भी नहीं आया है। जैसे ही हमारे पास लिखित में आदेश आएगा हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे जानकारी। तो दोस्तों जैसे ही हमारे पास लिखित में आदेश आता है हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।